General students, welcome to all computer classes. So student, in the previous class I taught you about the computer devices like input device, processing device and the output devices. Okay student, I hope you all are understood that the three devices, the input device, processing device and the output devices. Okay, and now today we will learn about the storage device. Okay student, so what is a storage device? In the previous class I have to also taught that the what is a storage. It means jo storage capacity hoti hai, jo koi cheez store karne ki jo container ya jo bhi part hota hai, device hota hai jo store, jisme store kiya tha koi cheez, this is called a storage device. Okay, it means wo chahe hamare human body mein ho ya hamare computer mein ho ya if aapke ghar mein koi bhi aisa storage container ho jisme koi bhi cheez, koi bhi material, koi bhi parts आप स्टोर करके रख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड अ स्टोरेज डिवाइस. ओके स्टूडेंट, सो इन दिस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस के बारे में. ओके, सो द फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर इज स्टोरेज डिवाइस. ओके, व्हाट इज द स्टोरेज डिवाइस एंड व्हाट आर द इट्स वर्क. तो फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे कि इन इस क्लास में कि क्या है स्टोरेज डिवाइस और क्या उसका वर्क है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग अ चैप्टर we have to I want to ask some questions, so student try to answer them. Okay, the first question is what is the title of your book. Okay, so if you know that the what is the title of a good, very good. So the next question is how many subjects do you learn in school. Okay, and the third is name your native state. It means these are the three questions. If you have आंसर, इफ़ आपको पास इन क्वेश्चंस के आंसर हैं, यानी आपको पता है कि आपके कंप्यूटर बुक का टाइटल क्या है एंड द आपके कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं स्कूल में, आपकी क्लास कितने सब्जेक्ट्स हैं एंड द नेम ऑफ योर नेटिव, यानी आपका कहाँ आप रहते हैं. इफ़ अगर आपके पास इन सारे क्वेश्चंस के आंसर है सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, यू हैव अ गुड मेमोरी. सो मेमोरी मीन्स समथिंग रिमेंबर्ड फ्रॉम द पार्ट. इट मीन्स जो भी चीज़ें आपने सुनी है, जो भी चीज़ें आपने इनपुट की है, मतलब कान से सुनते हैं, जो आप लोग आँखों से देखते हैं, ह्यूमन बॉडी में जो भी चीज़ें आप करते हैं, इनपुट करते हैं, वो आपके माइंड में, आपके ब्रेन में स्टोर होता है, प्रोसेस होता है और स्टोरेज डिवाइस भी आपके ब्रेन में ही होती है. ठीक है, एंड एंड द अदर पार्ट्स, आपके जो भी है सारे कुछ पार्ट्स स्टोरेज डिवाइस होता है आपके बॉडी में, कुछ पार्ट इन आपके प्रोसेसिंग, एक वन पार्ट ही परसेंट डिवाइस होता है एंड आपके कुछ पार्ट आउटपुट डिवाइस होता है इन इनपुट. सो जब आपको कोई चीज़ आपने देखा, सुना और उसको फील किया, महसूस किया, तो आपको उसकी चीज़ें याद रहती हैं. तो दिस इज़ अ मेमोरी एंड देन मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड अ स्टोरेज. ठीक, इट मीन्स जो आपने याद किया, जो भी आपके इनपुट हुआ वो कहीं स्टोर हुआ आपकी मेमोरी में, तो दिस इज़ कॉल्ड अ स्टोरेज डिवाइस. ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट द स्टोरेज डिवाइस. सो स्टोरेज डिवाइस इन ह्यूमन बॉडी, आप पिक्चर में आपको दिख रहा है कि आपकी ह्यूमन बॉडी में क्या क्या स्टोरेज डिवाइस हो सकती है. तो द मेमोरी कार्ड, इट मीन्स आपकी आईज आपकी मेमोरी कार्ड के रूप में काम करती है, आपने उसको देखा. ब्रेन में आपके सीपीयू है, देन आपके ब्रेन में ही हार्ड ड्राइव है जहाँ पे आपका स्टोर होता है, क्योंकि आप कहते हैं मैं सोच रहा हूँ, रुको मैं सोच के बताता हूँ, तो आप ब्रेन के पास ही, हेड के पास ही आप सोचने का वो करते हैं. देन आपका जो बॉडी है वो केस है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं. देन रैम है, आपके मदर बोर्ड है, आपका हीट स्किन जो आपका वो हीट टेम्परेचर करती है. तो दीज आर द डिवाइसेस इन ह्यूमन बॉडी. तो इसको स्टोरेज डिवाइस भी हैं, कुछ इनपुट डिवाइस भी है, कुछ आउटपुट डिवाइस भी है. ओके स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट इज अ स्टोरेज डिवाइस. लेट मी टॉक अबाउट द अब स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे. अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. ऑल द डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज सेव्ड इन इट्स हार्ड डिस्क. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द हार्ड डिस्क CD, DVD and the pen drive are also used to store data permanently. It means जो स्टोर करता है डाटा, जो भी लार्ज अमाउंट डेटा को हम जहाँ इस कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, इट इज़ अ स्टोरेज डिवाइस. ओके, सो ऑल द डेटा द इंफॉर्मेशन सेव होती है आपके हार्ड डिस्क में. इट मीन्स आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में, आपके पिक्चर में दिख रहा होगा कि जो ये डिवाइसेज दिख रहे हैं, ये आपके कंप्यूटर सी पी यू के अंदर ये डिवाइसेज होते हैं जिसमें आपके डाटा स्टोर होते हैं. ठीक है, एंड उसके अलावा भी आपके जो डाटा है वो स्टोर हो सकते हैं आपके हार्ड डिस्क में, सीडी में, डीवीडी में एंड देन पेन ड्राइव में. ये सब भी आपके स्टोरेज डिवाइस है
और इसमें आपके परमानेंटली स्टोरेज कोई भी डाटा इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। इट मींस आप कोई भी डाटा इन्फॉर्मेशन डाटा है इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करके इसको रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइस। दिस इज अ स्टोरेज डिवाइस, दीज आर द स्टोरेज डिवाइसेज। डिवाइस आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। ये आपका पेन ड्राइव है, देन आपका सी डी है, एंड देन आपका पोर्टेबल हार्ड डिस्क है। तो दीज आर द स्टोरेज डिवाइसेज। ओके, सो द फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द हार्ड डिस्क। एंड द हार्ड डिस्क इज एन इनबिल्ट स्टोरेज डिवाइस इन विच डेटा इज स्टोर्ड बाय डिफॉल्ट। इट मीन्स हार्ड डिस्क जो है वो आपके कंप्यूटर में आपके सीपीयू में इनबिल्ट होता है, बाय उसमें फिट किया जाता है, एंड जो भी डाटा हम इनपुट करते हैं जो भी प्रोसेस होता है वो आपके इसमें बाय डिफॉल्ट ही वो स्टोर हो जाता है। ओके, देन इट्स लुक लाइक अ स्मॉल बॉक्स। ये आपको एक स्मॉल बॉक्स की तरह दिख रहा है, विच इज फिक्स इन साइड द सीपीयू कैबिनेट। ये आपके सीपीयू कैबिनेट के इनसाइड में फिक्स किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट इज अ सीडी एंड डीवीडी। दीज आर द ऑल्सो स्टोरेज डिवाइस, बट इट इज़ अ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। मतलब ये आपके सीपीयू कैबिनेट में नहीं होता है, इसको आप एक्सटर्नली मतलब यूज़ करते हैं कि स्टोर करने के लिए डेटा को। ओके, सो व्हाट इज़ द सीडी एंड डीवीडी। फर्स्ट ऑफ ऑल सीडीज एंड डीवीडी आर यूज्ड टू स्टोर अ लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ होता है। एंड यूजिंग दीज डिवाइस यू कैन ऑल्सो ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इट मीन्स आपने जैसे एक कंप्यूटर पर आपने कोई भी पार्ट कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी डाटा कोई भी चीज़ बनाया है, देन आपने उसमें सीडी में सेव किया, उसके बाद आप किसी और जगह जाके अगर वो डाटा किसी और कंप्यूटर में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप सीडी या डीवीडी के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट, दीज डिवाइस आर इजी टू कैरी ड्यू टू देयर स्मॉल साइज़। क्योंकि इसका छोटा साइज़ होता है, लाइक राउंड शेप में होता है और छोटा साइज़ होता है कि इसको ईजिली आप और हल्का होता है तो इसको आप ईजिली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। इट मीन जो फर्स्ट है वो आपका सी डी है, सी डी स्टैंड फॉर द कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, एंड देन नेक्स्ट डीवीडी। डीवीडी स्टैंड फॉर द डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी को हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं। ओके, सो अ डीवीडी कैन स्टोर मोर डेटा देन अ सी डी। इट मीन्स जो डीवीडी है उसमें हम सी डी से भी ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। सो जैसे कि फॉर एक यूनिट अगर हम समझेंगे तो सी डी में हम 7 MB डेटा यूज स्टोर कर सकते हैं, बट डीवीडी में 4.7 GB तक का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो डीवीडी में हम सीडी से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ सीडी एंड दिस इज़ अ डीवीडी। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट है लेट मी टॉक अबाउट द पेन ड्राइव। तो दीज आर द पेन ड्राइव। ये आपकी पेन ड्राइव है, आपने उसको अपने घरों में देखा होगा या ऑफिस वगैरह में देखा होगा कि ये पेन ड्राइव आपका जनरली आपके पेरेंट्स हैं या ऑफिस में टीचर्स हैं या कोई आप लोग जनरली यूज़ करते हैं। ओके, सो द पेन ड्राइव इज वेरी स्मॉल इन साइज। ओके, बट इट कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। ये बहुत छोटा होता है और स्मॉल इन साइज होता है, यानी आपके पॉकेट में फिट हो जाता है, इतना बड़ा होता है, बट इट कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट डाटा। इट मीन्स ये सी डी और डी वी डी से भी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट डाटा स्टोर कर सकता है। ओके, छोटा होता है बट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इट कैन ऑल्सो ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। इट मीन्स ये भी क्या होता है कि आपने किसी कंप्यूटर में वर्क किया, इफ़ आपने घर पे कोई प्रोजेक्ट बनाया है आप पेन ड्राइव में उसको स्टोर कर लीजिए, देन स्कूल में आके अगर आपको टीचर को वो दिखाना है प्रेजेंटेशन तो आप पेन ड्राइव में वो डाटा स्टोर करके आप उसको स्कूल के कंप्यूटर में फीड करके आप टीचर को दिखा सकते हो प्रोजेक्ट। तो पेन ड्राइव का यूज़ ही होता है। अब पेन ड्राइव इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। इट मीन्स पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज अ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस जो है हमारा लाइक सी डी डी वी डी पेन ड्राइव जो सारी चीज़ें ये हमारी स्टोरेज डिवाइस है, बट इसको सी डी डी वी डी पेन ड्राइव एंड जो अदर सेकेंडरी डिवाइसेज हैं जो हम बाहर से यूज करते हैं इनको हम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। इट मीन्स हार्ड डिस्क जो होती है, रोम है, रैम है, आपने सुना होगा, ये आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट होती है, आपके कंप्यूटर के सी बी कैप आपके सी पी यू कैबिनेट के अंदर होती है, बट द डी वी डी सी डी एंड द पेन ड्राइव है इनका आप यूज़ एक्सटर्नल बेसिस पे भी कर सकते हैं। इट मीन्स आपने कोई भी डाटा कंप्यूटर के अलावा आपने कहीं बैकअप रखना चाहते हैं तो सी डी डी वी डी या पेन ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं। ओके सर, सो द नोट आ यू एस बी प्लग इज़ यूज टू कनेक्ट वेरियस पेरिफेरल्स टू अ कंप्यूटर। इट मीन्स यू एस बी जो पोर्ट होता है, यू एस बी प्लग होता है,
वो आपका पेन ड्राइव को फिट करने का काम आता है, आपका आपने देखा होगा चार्जर का जो डाटा केबल उसको फिट कर, आप अगर पोर्टेबल ड्राइव यूज़ करते हैं तो उनके उसके प्लगिंग को फिट करें। जैसे आपने इफ़ आपने जो आपके घर में सॉकेट होता है, प्लग होता है, जिसमें आप प्लग लगाते हैं तो आपका घर के जो और चीज़ें हैं वो चलती हैं, इट मीन्स मिक्सी चलती है, तो उस टाइप का ये यूएसबी पोर्ट आपके कंप्यूटर में होता है जिसमें आप पेन ड्राइव वगैरह फिट करके डाटा स्टोर वगैरह कर सकते हैं। एंड देन यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, तो यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके स्टूडेंट, तो दिस द योर स्टोरेज डिवाइसेस, ये आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं, आपकी पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी एंड अदर स्टोरेज डिवाइसेस भी होते हैं, सो जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, सो दीज आर द स्टोरेज डिवाइस। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दैट द टॉपिक एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दैट द चैप्टर द कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस, इट मीन्स इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड द स्टोरेज डिवाइस, दीज आर द वर्क टुगेदर। जब आप ये सारे वर्क पार्ट्स वर्क एक साथ करते हैं तो हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है और जिसपे हम वर्क प्रॉपरली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल फॉलो द रूल्स ऑफ SMS। तो द SMS इज अ सोप मास्क एंड द सोशल डिस्टेंसिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट, स्टे होम।